ये जो तीसरे मरहले में जिस बात को अर्ज करने जा रहा हूँ, ज़रा सा कैन नॉट से फिलोसफी बल्कि ज़र्री थोड़ी सी फिक्र की ज़रूरत है हम लोग उस मंजिल को समझ सके, मैं समझा सकूँ तो बस है, आज के दिन हमारे लिए मेरे लिए मेराज है। वो मरहला ये है, मासूम के पास तकवीनी कुव्वत है। क्या माने तकवीनी कुव्वत है? इन्नी अखलुक लकुम तायरन फनफुकु फी है, कुरान की आयत है। हजरत ईसा ने कहा कि मैं परंद का एक पिक्चर बना दूंगा, मिट्टी से एक पुतला बना दूंगा और इस पर मैं रूह फूंक दूंगा। जी जो लोगों को ताज्जुब है कि अहले बैत कैसे, अली कैसे, उनका जवाब है यहाँ पर। वो जवाब है कुरान से, कोई ऐसी नहीं कि कुरान ही कह रहा है कि हज़रत ईसा ये कह रहे हैं कि अगर मैं मिट्टी से बना, आदम मिट्टी से बने थे, जब फूंका था अल्लाह ने रूह को, उसके मकाम पे हज़रत ईसा कह रहे हैं कि अगर मैं कोई आया मौला के पक्ष, बल्कि सलमान ने पूछा कि मौला मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, मौला सलमान जानना चाहते, जाओ यहीं करीब ही है कब्रिस्तान, वहाँ जाओ मेरा सलाम फलां कब्र पे पहुँचाओ, वहाँ से एक मुर्दा उठेगा, उससे पूछ लो कि क्या हुआ, मैं बयान करूँगा तो ख्वाब की बात होगी। उसी तरह से इब्राहिम पूछ रहे हैं परवरदिगार कैफा तुहील मौता, ए परवरदिगार मुर्दे को तू किस तरह से जिंदा करता। अल्लाह ने कहा अवलम तो मैन, ये ईमान नहीं है, कहा है ज़रा सा सेटिस्फैक्शन की भी ज़रूरत है, देखेंगे तो आई हैव टू सी बाय माउथ। जी अल्लाह ने कहा चार परंद को लो, ज़िबा करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, इनको जो है पहाड़ियों पे फेंक दो, फिर पुकारो। अच्छा मैं तारीख की खिड़की से इब्राहिम की हरकत को देख रहा हूँ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तो मुझे नहीं मालूम अल्लाह और इब्राहिम के सामने क्या गुफ्तगू हुई, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम है कि इब्राहिम काट रहे हैं, इब्राहिम टुकड़े कर रहे हैं, इब्राहिम मिला रहे हैं, टुकड़ों को बांट रहे हैं, पुकार रहे हैं, फिर वो परंद जिंदा होकर के आ रहे हैं। मैं तो खुदा को नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इब्राहिम को, इब्राहिम मकाम विलायत इलाहिया को, मकाम विलायत तकवीनी को समझा रहे हैं। इसी तरह से सलमान मकाम इब्राहिम में है, अली मकाम उलूही। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलमान जाओ कब्रिस्तान पे, वहां पर मेरा नाम लो, फलां मुर्दे का नाम ये है, कब्र में उसको पुकारो, वो उठेगा, उससे पूछ लो कि क्या हुआ। सलमान जा, अरे अभी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो शक करूंगा ना भाई, जो यकीन की मंजिल में, कौन है सलमान? सलमान कौन है जो मरने के बाद भी जिंदा रहा? किसी ने कहा कौन तुझे गुस्ल देगा, कौन तुझे कफन पहनाएगा? सलमान ने कहा जो आएगा आएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुर्दे के सामने आ रहे हैं, सब मुर्दे उठ नहीं सकते, सलमान उठ के बताते हैं कभी अली का मरा हुआ मरता नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो ये मौला तकवीनी कुव्वत रखते थे लेकिन क्यों इस्तेमाल नहीं, ये क्वेश्चन हमारे जहनों में आता है और इसको आज मैं डील करके आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी सहमतें तमाम। सूर्य विलायत तकवीनी का मेरे मोहतरम जो हमने मतलब समझा है वो ये है कि खुदा फरमाते इन्नमा अमरुहू इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, अल्लाह जब किसी शय का इरादा करता है तो फरमाते कौन हो जा, वो चीज हो जाती है। मौला अमीर ने इसकी वजाहत की नहजुल बलागा में कि अल्लाह लफ्ज़े कौन कहने का भी मोहताज नहीं,
अल्लाह काफ नून कहने का भी मोहताज नहीं। एक मुहावरा है, इस्तेआरा है, एक मजाज है। जिस तरह कुन कहने में देर नहीं लगती, अल्लाह का इरादा हो जाए तो मुराद के वजूद में आने में कोई देर नहीं लगती। अल्लाह का इरादा होता है तो मुराद हासिल हो जाती है। ये अल्लाह की शान है। किसी मखलूक के बारे में ये नहीं कह सकते हजरत इब्राहिम 100 साल तकरीबन 80-90 साल तक दुआएं मांगते रहते हैं, रब्बे हबली मिल्ला उनका वलियन, या अल्लाह मुझे वली अता फरमा, रब्बे हबली मिल्ला ज़ुर्रियतन तैयबा, या अल्लाह मुझे पाक पकीजा औलाद अता फरमा। खुदा सुनता है, नहू करता है, नहा करता है। जब बुढ़ापे की मंजिल आ जाती है, 100 साल के लगभग उम्र है, औरत भी बूढ़ी हो चुकी है, फरिश्ते आकर कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें औलाद देने वाला है। जनाबे हाजरा कहती हैं, मेरे हां कैसे औलाद होगी, मेरा शौहर है तो बूढ़ा, मैं हूं तो बांझ, कैसे होगी। जिब्रील कहते हैं ये सब कोई ठीक है, पर अल्लाह तो कादिर मुतलक है। उन्होंने बुढ़ापे में दो जोड़ लालों की जोड़ियां दी, एक जनाबे इस्माइल, दूसरा जनाबे इसहाक। जनाबे हाजरा के बतन से जनाबे इस्माइल पैदा होते हैं, जनाबे सारा के बतन से जनाबे इसहाक पैदा होते हैं, और जनाबे इब्राहिम ने जो शुक्रिया अदा किया था उसके लफ्ज कुरान में आज तक मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर इस्माइल व इसहाक। मैं खालिक अकबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने बुढ़ापे में मुझे लालों की जोड़ी अदा कर दी। एक लाल का नाम इस्माइल है और दूसरे लाल का नाम है इसहाक। अल्लाह ने जवानी में औलाद नहीं दी, बुढ़ापे में देकर दुनिया को जाहिर किया, दुनिया पर वादे किया कि कानून मेरे मोहताज हैं, मैं नेचर का मोहताज नहीं। चाहूं तो जवानी में न दूं और चाहूं तो बुढ़ापे में दे दूं। अब ये बताओ, हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद आप पैदा की या खुदा से मांगी और खुदा ने दी? खुदा ने दी, तो विलायत तकवीनी कहां गई? जनाब जकरिया के हां औलाद नहीं है, जनाब मरियम की कफालत करते हैं, और जब एक दफा उनके पास पहुंचे, बुढ़ापा आ गया, दुआएं मांगते, रब्बे हबली मिल्लत उनका वलिया, यारे सुनी, या अल्लाह मुझे कोई वली अता कर, मुझे कोई वारिस अता कर। खुदा सुनता रहा, ना हूं ना हां। हत्ता एक दिन जनाब मरियम के पास पहुंचे, देखा बेमौसम फल पड़े हुए हैं। काला कुरान खबर देता है, काला या मरियम अन्नाला के हाजा, ए मरियम ये मौसम फल कहां से आए? कालत मिन इंदिल्लाह, जनाब मरियम ने कहा अल्लाह ने भेजे हैं। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, अल्लाह फरमाते जब मौसम फल जनाब ज़करिया ने जनाब मरियम के पास देखे तो वहीं हाथ बुलंद किए, ओ मेरा खालिक, अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता? मेरी औलाद का भी कोई मौसम नहीं है। खालिक फरमाते अब दूंगा। अल्लाह ने उनको जनाब याह्या अता फरमाया। 5 साल की उम्र थी कि खालिक ने उनको दर्जे नबुव्वत पर फायज कर दिया। तो लिहाजा अगर खुद कौन कहने से नबी और इमाम के कौन कहने से हकीकत बदल जाती है, तो जनाब ज़करिया जिंदगी भर अल्लाह से क्यों मांगता रहा कि या अल्लाह औलाद दे, या अल्लाह औलाद दे। अल्लाह ने जवानी न दी, थे बुढ़ापे में एक बेटा अता कर दिया।
तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये कादिर मुतलक होना, अला कुल शैन कदीर होना, ये खालिक अकबर की सिफत है। नबियो इमाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, इस्तिदआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। नबी और इमाम जिस बंदे की सिफारिश कर दें, अल्लाह उनकी सिफारिश को रद्द नहीं करता। लेकिन कुन फयकून का मकाम सिर्फ खालिक ज़ुल जलाल को हासिल है। कोई भी इस बात में अल्लाह का शरीक नहीं है। और इंशाअल्लाह अनकरीब मेरी किताब आ रही है, इकामतुल बुरहान अला बुतलान तसव्वुफ वल इरफान। उसका जब मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह 14 तबक रोशन हो जाएंगे। फंतज़िरु इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यिबीन व ताहिरीन अल मासूमीन, व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है, और आज की हमारी वीडियो का मौजू एक दफ़ा फिर एक अमामा पोश, एक आलमे दीन और मदरसों से फारिगुल तहसील जनाब अल्लामा ज़की बाकरी साहब जी, उन्होंने वही गुफ्तगू फरमाई अपने इस क्लिप में जो आपने वीडियो के आगाज़ में देखा, कि जो पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जनाब अल्लामा राजा नासर अब्बास साहब, वो भी एक आलमे दीन जी, मुस्नद मदारस से पढ़े हुए और ख़ुद भी एक मदरसा बना रहे हैं या चला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने पिछली वीडियो में भी ये सवाल उठाया था कि अगर इस तरह की गुफ्तगू वलायत तकवीनी की आड़ में शिरकिया बातें और खुल्लम खुल्ला शिरक वलायत के नाम पर, वलायत तकवीनी के नाम पर अगर इस तरह की बातें ज़ाकरीन करें, इस तरह की बात वज़नफ़र तौसवी करे, हाफ़िज़ तसद्दक़ करे जी, अलवी करे या दूसरे गाली करें, खुसूसन ज़ाकरीन करें कि जिनके सर पर अमामा नहीं होता, जिनकी स्पोर्ट में पीछे को मदरसा खड़ा नहीं होता, मदरसे की डिग्री खड़ी नहीं होती, तो हम और बाकी अहबाब जो हैं, अहले इल्म जो हैं, फौरन इल्मी गिरफ्त करते हैं, फौरन जनाब वीडियोस पे वीडियोस आती हैं, बयानात पे बयानात आते हैं, फतवे पे फतवा आता है, जो कि आना भी चाहिए, चूँकि शिर्क एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी माफ़ी नहीं है, ना दुनिया में ना आखरत में जी। और शिर्क सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मौजू है मकतब इस्लाम में, और उनवानात इस्लाम में सबसे मेन जो उनवान है, सबसे पहला उनवान है वो तौहीद और शिर्क के मामलात हैं, और शिर्क सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात और तरजीहात के ऊपर। तो इसलिए इस तरह की वलायत तकवीनी का एक नाम नहाद घड़ा हुआ अकीदा, जो कि बदकिस्मती से ईरान के कुछ सूफिया तर्ज के माइंडों का, जहनों का घड़ा हुआ अकीदा है, दर हकीकत आपको पूरी तारीख में, पूरे मकतब में इस नाम से, इस तरह से, जिस तरह से ये वलायत तकवीनी को पेश किया जाता है, आपको कोई एक सिंगल हदीस रवायत ज़ईफ़ से ज़ईफ़ भी मासूमीन अलैहिस्सलाम से मंसूब नहीं मिलेगी कि आपने, आप में से किसी हस्ती ने, किसी मासूम ने, किसी इमाम ने ज़िंदगी में कभी इस किस्म का दावा, इस किस्म का क्लेम किया हो कि जिस वलायत तकवीनी को ये पे, हाँ वलायत तकवीनी के उनवान से बाउनवान वसीला जी, अगर कोई मासूमीन अलैहिस्सलाम के मौजाद या उनके जो इजाज़ात हैं उसका, जैसे अल्लामा नासर मुकारम शिराज़ी, आयतुल्ला नासर मुकारम शिराज़ी की वेबसाइट विज़िट करें आप, और अगर आपको उस पेज का उनकी वेबसाइट पे उर्दू में तर्जुमा शुदा लिंक चाहिए हो तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो आयतुल्ला नासर मुकारम शिराज़ी ने उसमें वाजह लिखा कि जनाब इसमें ख़ुद मुख्तारी नबी या इमाम की नहीं होती है कि जो मौजाद या कमालात या करामात उनके हाथों अल्लाह पाक सरजद करवाता है उसमें वो ख़ुद मुख्तार नहीं है, मौजा फ़ेल खुदा है, मर्ज़ी खुदा से, मंशा खुदा से ज़ाहिर होता है, और किसी के हाथ यानी किसी नबी के हाथ वो कोई मौजा ज़ाहिर करा दे, किसी के हाथ कोई करवा दे, किसी के हाथ ना करवाए, ये उसकी मंशा और मर्ज़ी पे मुनसर है। लेकिन वलायत तकवीनी के उनवान से ये जो गलूव और शिरकी अकायद कौम में इंजेक्ट किए गए और किए जा रहे हैं, और अब बदकिस्मती से अमामा पोश, अमामा पोश से मुराद एक उलमा, पढ़े हुए उलमा, मदारिस से फारिगुल तहसील उलमा,
उनके ज़रिए से, उनकी ज़ुबानों से आवाम तक ये बातें पहुँचाई जा रही हैं। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि मौसूफ़ जो हैं सरकार ज़की बाकरी के, जिनका अहले इल्म में बड़ा एक, और हम खुद बड़े इनको एक इल्मी शख्सियत के तौर पर देखते हैं, बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ इनकी कुछ दरूस और मजालिस भी सुनने का इत्तेफाक हुआ। इन्होंने लगता है कि अपने सारे इल्मी काम के ऊपर जनाब वाइट वाश फेर दिया है अपने इस बयान से, कि जिसमें मौसूफ़ फरमा रहे हैं कि अली बा मंजिला अली जो है मकाम उलवियत पे हैं माज़ अल्लाह, और जनाब सलमान फ़ारसी जो हैं सरकार वो मकाम इब्राहिम पे हैं। मतलब इस क्लिप में आप वाजह सुन सकते हैं। फिर एक जगह और फरमा रहे हैं कि जनाब मुझे तो तारीख की खिड़की से इब्राहिम को मैं देख रहा हूँ, मुझे अल्लाह तो नज़र नहीं आ रहा, इब्राहिम ही फाइल के तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए कि इसी चीज़ को बेस बनाकर तो जो नुसैरी और गाली हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें तो मौलाए कायनात के हाथों ये मौजज़ात सरज़द होते नज़र आए हैं, हमें तो अली ये चीज़ें करते हुए नज़र आए हैं। तो फिर क्या कहा जाए कि उनमें और इनमें क्या फ़र्क रह गया? यानी इस तरह से तो तारीख़ इस्लाम में या तारीख़ इंसानी में जितने मौजज़ात अम्बिया ने दिखाए हैं, जितने कमालात उन्होंने दिखाए हैं, वहाँ किसी को देखने वाले को खुदा तो नज़र नहीं आया, बज़ाहिर नबी या इमाम नज़र आए। तो फिर क्या वो ये अकीदा ज़की बाकरी साहब के फ़लसफ़े को बुनियाद बनाकर ये अकीदा रख लिया जाए कि हर नबी जो अपने दौर में मौजज़ा दिखाता रहा, चूँकि इस तरह तो फिर क्रिश्चियंस का क्या कसूर है? उनको तो मुर्दे ज़िंदा करते हैं बज़ाहिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नज़र आए, कोड़ियों को शिफा देते ईसा नज़र आए, जी लाइलाज अमराज को ठीक करते ईसा नज़र आए, मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते और इसी को ये बेस भी बनाते हैं जनाब ईसा नज़र आए। इस तरह तो वो भी कहेंगे जी हमें तो खुदा नज़र नहीं आया, तो जो ये काम कर रहा है फिर नाउज़ बिल्ला यही खुदा है, माज़ल्ला यही मकाम उलवियत पर है। तो अफसोस का मुकाम है कि कोई जाकर उठ के इस तरह की गुफ्तगू करे तो जनाब हमारे सारे रडार ऑन हो जाएँ, हम सब की जनाब वो मुतहरक हो जाएँ एनर्जियाँ, और हम जनाब उसकी मजम्मत और सर करनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ करनी चाहिए। लेकिन इनको कहाँ से माफ़ी है? ये कौन सी तारीख़ की किताब में या सीरत की किताब में या हदीस की किताब में या कौन सी आयात कुरानी में ये चीज़ आई है कि जनाब अगर इमामा सर पर रख के जेब में मदरसे की डिग्री डाले कोई बंदा उठ के शिर्क और गुलूफ की तलीमात को वलायत तकवीनी के रैपर में लपेट के बेचे तो वो जायज़ है, और वही एक सादा लो सेल्फ स्टडी करने वाला जाकर उठ के ऐसी बात करे तो वो काबिले गिरफ्त है? ये तमीज़ और ये फ़र्क जो है ये किस किताब में लिखा हुआ कि ज़की बाकरी करे, शहनशाह नकवी साहब दरबारों पर से मांगना कौम को सिखाएं, राजा नासर अब्बास साहब कहें वो भी बसीत तो आले मोहम्मद भी बसीत, ये जायज़ है? इसके ऊपर किसी बड़े इदारे की, किसी बड़े आलम की आपने आवाज़ तक नहीं सुनी होगी? राजा नासर अब्बास के क्लिप को मेरा ख्याल है कम व बेश 6 से 7 साल हो गए हैं। कौन सा बड़ा इदारा है, कौन से किसी बड़े इदारे का प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जिसने जनाब मजम्मत की हो और तायब होने का, रजू करने का या फिर गुफ्तगू करने का जनाब दावतनामा पेश किया हो जनाब मौसूफ़ नासर अब्बास साहब को? किसी ने भी नहीं। अभी इस क्लिप को भी जो आपने ज़की बाकरी का क्लिप देखा है इसको भी 6 से 7 दिन या 7-8 दिन हो गए हैं, और मेरे पास आए इसको मेरा ख्याल 2रा-3रा दिन है। तो मेरे तो समातों से ना गुजरा ना आँखों से कोई ऐसा देखा कि किसी बड़े नाम की तरफ से जनाब नाम ले कर मजम्मत आई हो, रजू करने की दावत पेश की हो। तो ये जो एक फ़र्क है ये बुनियादी तौर पर अवाम को कन्फ्यूज़ भी करता है, अवाम को गलत रविश में भी डालता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक नहीं 20 आयात में इस तरह के अकायद का जनाब कला कमा किया गया है, जिनमें से आज हम 2 ऐसी आयात 2 मुख्तलिफ सूरतों से एक एक आयत आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो इतनी वाजिया सलीस और सहल और उनको समझना इतना आसान है कि उसके लिए आपको किसी तफसीर और तशरीह की भी ज़रूरत नहीं। वाजिया पैगाम है, और स्पेसिफ़िकली ये जो वलायत तकवीनी के उनवान से जो ये कहा जाता है कि जनाब उनको ये तसर्रुफ़ के हक हुक मिल गए हैं, उसको खुला चैलेंज देती है आयात हैं। सिर्फ 2 आयात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और 2 से 3 रवायात मुस्नद रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत से पेश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि वलायत तकवीनी की कोई तारीख नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। ये जैसे मैंने कहा कि ये ईरान से एक इख्तरा किया हुआ अकीदा है जो मुख्तलिफ सूफिया और सूफियों को इरफान, सूफ़ी को इरफान का नाम दे दिया गया जी, और सॉरी तसव्वुफ़ को इरफान का नाम दे दिया गया और सूफिया को उर्फा का नाम दे दिया गया, और जनाब उसी बीच में लपेट लबाट के ये कुछ 100 सालों पहले वलायत तकवीनी को घड़ लिया गया। वलायत तकवीनी अगर इस उनवान से हो कि जनाब अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूमीन अलैहिस्सलाम
जो इसमें आज़म रखते हैं, जो कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद एक रवायत के मुताबिक जिसको असूल शरिया में जनाब मोहम्मद हुसैन नचवी साहब ने भी, आयतुल्ला नचवी साहब ने भी वो किया और मुख्तलिफ और किताबों में वो रवायत आई है कि आपने एक खुश्क ज़्यादा खजूर के दरख्त, खुश्क बिल्कुल, जिसकी वो टहनियाँ भी मतलब उतर चुकी थी और सिर्फ जो दो चार टहनियाँ थी वो खुश्क लकड़ी की मानिंद थी, उसमें से ताज़ा खजूरें अपने साहब को, वो तो एक बदू उनको देख रहा था, तो आपने कहा कि उस बदू ने कहा कि मैंने आज तक बड़े से बड़े जादूगरों का जनाब जिक्र सुना था, किस्सा सुना था, कहानियाँ सुनी थी, आज मैंने खुद मेरी आँखों ने देख लिया। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया कि हम अहले बैत पर झूठ मत बांध, ना हम कहन हैं ना हम जादूगर हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमें अल्लाह पाक ने अपने कुछ इसमें आज़म अता फरमाए हैं कि जिनकी मदद से जब हम अल्लाह से दुआ या सवाल करते हैं तो वो रद्द नहीं होता। ये है हकीकत कि जब आइमा तहार के हाथों पे कोई मौजज़ात ज़ाहिर हों या आइमा तहार के ज़ुबान मुबारक से निकले जब अल्फाज उसी वक़्त पूरे हों, मिनो अन पूरे हों, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आइमा तहार कोई कायनात में अल्लाह ने तसर्रुफ़ का उनको वो दे दिया या तफवीज़ कर दी चीज़ें कि अपनी मर्ज़ी से अब वो अल्लाह ताला ही की तरफ रजू करते हैं। ये बात और है कि उनका नियत करना या सोचना भी अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करता। वो किसी मामले वो कलीम के ऊपर बने शेर को देख के अभी सोचते हैं कि ये निकले और इस जादूगर को खा जाए तो अल्लाह ताला उसको उसी वक्त पूरा फरमा देता है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद गवाह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया कि आपके नालाने मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान, जनाब आप आसमान की तरफ मुंह करके सोचते थे, ख्वाहिश का इजहार करते थे कि मक्का मुकरमा को किबला बना दिया जाए, जिसको कोट किया कुरान मजीद में कि हबीब हम आपका बार बार यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ, आसमान की तरफ मुंह देखना करना जो है वो देख रहे हैं और अल्लाह ताला ने उसी वक्त खाना काबा को यानी किबला अव्वल से खाना काबा को ये फजीलत बख्श दी कि इसकी तरफ मुँह करके रुख करके सजूद और नमाज़ें अदा की जाएँ। तो ये इसी की निशानी है कि जब आइमा तहार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी के लिए दुस्से दुआ उठाते हैं, किसी चीज़ का इरादा करके दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, तो अल्लाह ताला इनकी मंशा और मर्ज़ी को, चूँकि ये मशीयत और शरीयत इलाही के ख़िलाफ़ कभी जा नहीं सकती, कभी ऐसे काम के लिए सिफारिश और शिफात नहीं कर सकती जो शरीयत में ममनू हो, कभी ऐसे मौज़े या करामत किसी के कहने पर दिखा नहीं सकती कि जो बातिल हो, यानी जिसे बातिल कायद को तकवीत मिले, जिसको इस्लाम को जिससे तकवीत मिलेगी, अल्लाह के कुरान को तकवीत मिलेगी, अल्लाह ताला के अंबिया रुसल और आइमा कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात को तकवीत मिलेगी, वहाँ पे जाके आइमा तहार इस चीज़ का इजहार करते हैं, लेकिन करते दुआ के ज़रिए हैं। अभी आपको इंशाल्लाह मौला एक कायनात की एक दुआ के चंद अल्फाज भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिससे बात आप पे वाज़ह हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इन अमामा पोशों से कि जो कि जनाब वलायत तकवीनी के रैपर में शिरक और गलू की फकियाँ, चूरन और लॉलीपॉप बेचते हैं, हमें चुकन्ना रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्या मेरे लिए या किसी मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अकायद के उनवान, अकायद के ज़िमन में किसी बात से सिर्फ इसलिए मुतमिन हो जाए कि फ़लाँ बड़ा नाम या फ़लाँ बड़ी शख्सियत या फ़लाँ बड़े बुज़ुर्ग या फ़लाँ बड़े मर्जा इस अकीदे के कायल थे, तो ये सुनकर क्या मैं उस अकीदे से मुतमिन हो जाऊं और इसको मिनोअन कबूल कर लूं, मेरे लिए काफ़ी होगा? नहीं होगा। अकायद के ज़िमन मैं वलायत तकवीनी को इस अंदाज़ में देखें, वलायत तशरी के मामले में वलायत तकवीनी और वलायत तशरी दो चीज़ें बयान की जाती हैं। वलायत तशरी है यानी अकामात शरीयत जो है, अकामात इस्लाम और कुरान जो है, उनको उनकी तोज़ी और तशरी का हक, उनकी उसका वलायत हासिल है मासूमीन अलैहिस्सलाम को, लेकिन इसके ऊपर सब कायल हैं कि वलायत तशरी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम करार दे कोई भी इमाम अपने वक़्त का। जो हलाल और कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल क़यामत तक हलाल है और आपका हराम क़यामत तक हराम है, हलाल और हराम वही रहेंगे, उनकी तशरी और तोज़ी उनको बयान खुल के करेंगे आइमा इतहार या उसकी मुआवजत करेंगे। जो इमामत का कीदा है वो इसीलिए है। तो जब वलायत तशरी में ये हक नहीं दिया गया कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को हलाल और हराम करार दिया जाए, ये हक अल्लाह ताला के पास है, शरीयत में अल्लाह ताला ने बता दिया जो हलाल और हराम है, जो अकामात हैं, तो फिर वलायत तकवीनी जिसकी बेस ही कोई नहीं है,
उसकी बेसलेस अकीदे को मैं किस तरह से वो अल्लाह ताला तफवीज़ का या तसरफ़ का हक दे सकता है, जब वलायत तशरी में ये हक नहीं है मासूमीन अलैहिम सलाम के पास कि मंशा अपनी मंशा और मर्जी से अहकामात शरीयत को तरतीब दें, तो फिर वलायत तकवीनी नाम का तो अकीदा ही कोई नहीं है। इसमें कैसे ये हक अल्लाह ताला दे सकता है? और ये हक अल्लाह ताला ने किसी नबी किसी इमाम के सुपुर्द नहीं किया, मौजा फेल खुदा होता है। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, कभी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया मौसूफ़ ने, तो मुझे बताइए कि क्या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने बेज़ने अल्लाह जब मिट्टी का परिंदा बनाकर, तो क्या उस बने हुए परिंदे का खालिक अल्लाह कहलाएगा कि जनाब ईसा कहलाएंगे? फिर तो इनकी वजाहत और तशरी के मुताबिक तो उसका खालिक माज़ अल्लाह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो बात वाज़ेह खोल के कुरान ने बयान कर दी कि अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं तुमनाने कलब के लिए देखना चाहता हूं कि परवरदिगार तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है या करेगा, यानी अल्लाह से वो कह रहे हैं। तो वलायत तकवीनी के तहत अगर उनको तसरफ और तफवीज़ मामलात कुछ अम्बिया को होते तो फिर तो अल्लाह को ना कहा जाता ना, कायनात में तसरफ का हक दिया हुआ है वलायत तकवीनी के तहत, खल्क करने के रिजक देने के ज़िंदगी मौत के मामलात इन हस्तियों के सुपुर्द हैं, तो फिर तो ये अल्फाज कहने बनते नहीं थे कि या अल्लाह मैं तुमनाने कलब के लिए देखना चाहता हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ मुर्दे को ज़िंदा किया, दो से तीन आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसे वो वाक़यात हैं जो अल्लाह की कुदरत दिखाने के लिए कि मेरा को परवरदगार है, मुझे भेजने वाला हक और सच और हर कुदरत का मालिक है, जिसकी निशानी ये है कि मेरे हाथों से वो कोड़ियों को शफा देता है, मुर्दों को जो जला देता है। तो ये तो मौजात और करामात अल्लाह ताला ने इन हस्तियों के हाथ पे ज़ाहिर फरमाया है ताकि अकल वाले इससे कोई इबरतें हासिल कर सकें, अल्लाह तक पहुंच सकें। और यहाँ पे जनाब आज 14 सदियों बाद इन मौजात की बेस के ऊपर, इन करामात की बेस के ऊपर अल्लाह ताला को ही माज़ अल्लाह स्किप कर दिया गया और कहा गया जी अल्लाह हमें कौन सा नज़र आ रहा था, हमें तो मौजा करने वाला फ़ाइल नबी या इमाम नज़र आ रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना इलैहि राजिऊन किस कदर बचकाना दलील दी है ज़की बाकरी ने, और किस कदर बचकाना जहान है कि जो इनकी इस कदर मतलब के मैं कहता हूँ कि गिरी हुई सतह की दलीलों से मुत्तफिक हो जाते हैं ऐसे उलमा से, सिर्फ सर पे अमामा देख के या ये देख के कि इनके नाम से पहले अलामा लिखा आता है, ये कि कहाँ का इंसाफ है। तो मेरे नाज़रीन और सामईन, आपकी खिदमत में कुरान मजीद फुरकाने उम्मीद की दो ऐसी आयात पेश करते हैं जिसको समझने के लिए आपको किसी जनाब अलामा की किसी तफसीर की किसी तशरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त का अरशाद है कि हमने समझने के लिए इसको आसान कर दिया है, तो है कुछ समझने वाला। इन आयात में कुरान में मुतशाबहात भी हैं और मुहकमात भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली जिन दो आयात का मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ के अभी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, आप ख़ुद इसका तर्जुमा सुन के कहेंगे कि यार पीछे को भाम बाकी रहता नहीं है, इतनी वाज़ह अल्लाह ताला ने बात को ख़त्म कर दिया। तो चलते हैं पहले आपकी खिदमत में ये दो आयात कुरानी पेश करते हैं जी। ये पहली आयत जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है ये सूरह मुबारका रात की आयत है जी, और आयत का निशान है 18। अच्छा जी, इसका तर्जुमा पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये किताब नूरुल अजहान तफसीर है जी, मौलाना शेख मोहम्मद हसन सलाहुद्दीन साहब की, इसमें से इसका तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इरशाद परवरदिगार है कि इनसे पूछिए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए आसमानों और ज़मीन का परवरदगार कौन है, कह दीजिए। अच्छा, फिर खुद ही अल्लाह ताला ने देखें, फौरन ही अल्लाह ताला ने मुतनबे फरमाया, इरशाद फरमाया, पहले सवाल किया और जवाब आने से पहले अपना जवाब अवाम तक मखलूक तक पहुँचाया कि इनसे पूछिए आसमानों और ज़मीन का परवरदगार कौन है, तो कह दीजिए अल्लाह है। कह दें तो फिर क्या, यानी फिर कहें इनसे, फिर पूछें इनसे कि फिर क्या तुमने अल्लाह के सिवा ऐसों को अपना औलिया बना लिया है जो अपने नफ़ा नुकसान के ज़रा भर भी मालिक नहीं है। कह दीजिए कि क्या देखने वाला और ना देखने वाला बराबर हो सकते हैं, क्या तरीकी और रोशनी बराबर हो सकती है, क्या जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया है। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इस आयत के तर्जुमे पर गौर कीजिएगा तो बात आप पर वाज़ह हो जाएगी। क्या जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया है, क्या इन्होंने अल्लाह की खलकत की तरह कुछ खलक किया है? लो जी,
यानी अल्लाह पाक सवाल कर रहा है। अब देखें, कहा जाएगा जी ये तो मुशरिकीन मक्का के लिए, कुफार के लिए आयत है, तो वो अपने बुतों से ही उम्मीद रखते थे ना कि अल्लाह ताला, वो अल्लाह के कोई मुनकर तो नहीं थे, इनकारी तो नहीं थे, वो भी यही अकीदा रखते थे कि ऊपर अल्लाह है, अल्लाह ने इनको बनाया और इनके हाथ जनाब किसी के हाथ दरियाओं का निज़ाम दिया, किसी के हाथ हवाओं का निज़ाम दिया, किसी को चांद और सूरज का वली बना दिया, किसी को जनाब पानियों का देवता बना दिया, तो किसी को औलाद के बारे, ये तो वो भी अकीदा रखते थे। तो ये आयत उनके लिए है चूँकि वो बुतों से ये उम्मीदें वाबस्ता करते थे, तो ये आयत हमारी रहनुमा इसलिए करेगी कि हमने मासूम मस्तियों से वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि अल्लाह भी खलक करता है, तो ये भी वलायत तकवीनी के तहत खलक कर सकते हैं। और मसाले क्या देते हैं, वो मौजज़ात जो अल्लाह ने अपने नबी और आइमा के हाथों जाहिर फरमाए, अपनी ज़ात की, अपनी कुदरत की, अपनी हिकमत और अपनी ताकत की पहचान के लिए, उन मौजज़ात को ही जनाब उनकी तसरफ़ और तफवीज़ का जवाज़ बनाकर तो हम उनके इस अकीदे वलायत तकवीनी के कायल हो जाते हैं। तो परवरदगार का सवाल है जी कि क्या जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया है, क्या इन्होंने अल्लाह की खलकत की तरह कुछ खलक किया है जिसकी वजह से खलकत का मसला इन पर मुश्तबे हो गया हो? नहीं समझे, मतलब अल्लाह ताला ये पूछ रहा है कि क्या इन्होंने भी, जिनका अल्लाह को शरीक बनाते हो ये कह करके अल्लाह भी खालक तो ये भी खालक, इन्होंने कुछ खलक किया है जो तुम अब हाम में कन्फ्यूज़न में पड़ गए हो कि अल्लाह ने क्या खलक किया तो इन्होंने क्या खलक किया, और कोई एक चीज़ तो बताओ कि जो इन्होंने खलक की हो। कह दीजिए हर चीज़ का खालक सिर्फ अल्लाह है, सुभान अल्लाह। अब इससे वाजिया और आसान आपको क्या कुरान पैगाम दे, पहले बात वाजिया की कि इनसे पूछो कि इन्होंने खलक क्या किया है जिनसे ये उम्मीद अल्लाह के अलावा लगाते हो कि ये भी खलक कर सकते हैं, चाहे वो बुत हों तो चाहे वो किसी शख्सियात को बुत जैसे हमने वो जज्बात हमने उनसे लगा ली हों। पहले दावा पूछता है कुरान कि अल्लाह के अलावा इन्होंने खलक क्या किया है जो तुम कन्फ्यूज़ हो गए हो, यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़ हो गए हो, कोई ये इन्होंने क्या खलक किया था, अल्लाह ने किया, और पहले तो ये साबित करो कि इन्होंने कोई मक्खी का पर भी कभी खलक किया है, फिर कन्फ्यूज़ होना तुम्हारा बनता है जब खलक ही कुछ नहीं किया। और फिर आगे आयत मोहर लगा रही है कि कह दीजिए हर चीज़ का खालिफ सिर्फ अल्लाह है और वो यकता और बड़ा गालिब आने वाला। ये सूरह मुबारक रात की आयत नंबर 18 जी। अब इसके तफसीर और बयान में किबला लिखते हैं कि ये मौलाना शेख मोहम्मद हसन सलाहुद्दीन के अबताल शिर्क को नफ़ी बुत परस्ती एक नया अंदाज से बयान की गई, इस सवाल से शुरू हुई कि आसमान और ज़मीन का रब तदबीर करने वाला कौन है, जवाब भी खुदा ने खुद ही दे दिया कि वो अल्लाह है। मुशरकीन ये मानते थे कि आसमान और ज़मीन का खालिक खुदा है मगर इनके रब वाहद होने के मुनकर थे, यानी आगे वही ज़ेल में अकीदे, ज़ेली अकीदे कि जनाब है तो अल्लाह है लेकिन नीचे भी उसने अपने जैसे इख्तियारात दे के कुछ हस्तियों को जनाब भेजा था जिनके ये नाम थे और उनके अब बुत सजा के ये बुत कदों में बैठे होते थे, और मुख्तलिफ उनवानात से किसी को बारिश चाहिए तो बारिश वाले बुत के पास जा रहा है, किसी को बच्चा बच्ची चाहिए तो वो उस बुत के पास जा रहा है, किसी की जनाब फसलों का मसला है तो वो उस बुत के, इस तरह से करके इन्होंने भी जनाब, मसला ये है कि इन्होंने वो उम्मीदें, वो जज्बात, वो टाइटल बुतों को दे दिए थे जो आज हमने तसव्वुफ और इरफान और वलायत तकवीनी के उनवान से कुछ हस्तियों को दे दिए। तो किबला लिखते हैं कि जनाब यानी तख्लीक का अमल खुदा ने, खुदा से ही मुख्तस है, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि अल्लाह के अलावा भी कोई खलकत करने पर कुदरत रखता है, कादर है, लेकिन कायनात की तदबीर और इंतज़ाम इंसराम के अमल में इनके मबूद अपने मबूदों को ये शरीक ठहरा लेते थे, यानी इनके मामला चलाने और नफ़ा नुकसान पहुँचाने में इख्तियार रखते थे ये जो बुत थे या जो हस्तियों जिनसे वो यकीदा रखते थे, इसी वजह से इनकी परस्तिश की जाती थी जी। अच्छा, अभी ज़िमन में एक बड़ी खूबसूरत रवायत किबला ने यहाँ पर, जिससे इंशाल्लाह ये वलायत तकवीनी का ये इस अकीदे वाला बुत कि जनाब ये खलक भी कर सकते हैं तो रिजक भी दे सकते हैं, रिजक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़िंदगी कम और ज़्यादा भी खुद से कर सकते हैं, उसका बुत पाश पाश करती ये रवायत है, गौर से सुनिए। अच्छा जी, जनाब ज़र्रारा ने हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अब्दुल्ला इब्ने सबाह की औलाद तफवीज़ की कायल है, तो इमाम ने आगे से क्रॉस क्वेश्चन किया, यानी सवाल खुल के करने को कहा, आपने पूछा कैसी तफवीज़ क्या है, तो उसने कहा कि जनाब जनाब ज़रारा कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि
वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर दीगर मामलात को इनके सुपुर्द कर दिया, यानी इन दोनों को खलक किया और बाकी सारे मामलात फिर इन हस्तियों के सुपुर्द कर दिए। अब किसको किस टाइम दुनिया से आना है, किसको किस टाइम दुनिया से जाना है, किसने कितना खाना है, किसको बेटे कितने हैं, किसकी बेटियां, वही जो आज ज़रा मॉडर्न फॉर्म में कीदे फैलाए गए हैं जनाब। और इब्तदा इसकी कहां से शुरू हुई, इब्तदा इसकी या इली मदद के दरवाज़ा खुलने से शुरू। अगर उलमा उस वक्त होश के नाखून लेते और हर दौर के उलमा होश के नाखून लेते और बानवान वसीला और शिफात के हट के ये जो कहा जाता है कि उनसे मांग लिया, इनसे मांग लिया, एक ही बात है, ये उसके और वो इनका, तो ये जनाब मामला यहाँ तक नहीं पहुँचते। इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि हम मासूमीन के हवाले से ये कहें कि इनसे मांग लिया तो अल्लाह जो इनका भी खालिक है उनसे मांग लिया, एक ही बात है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। तो जनाब ज़रारा कहते हैं कि जनाब वो कहते हैं कि इन दो यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा सरकार अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर बाकी मामलात इनके सुपुर्द कर दिए, तख्लीक रिज़्क ज़िंदगी और मौत के मामलात भी। अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुश्मन खुदा ने झूठ बोला है, यानी देखें इमाम ने तफवीज़ के कायल को अल्लाह का दुश्मन करार दिया, और जिसको इमाम अल्लाह का दुश्मन करार दे दें उसके बारे में मोहब्बत दोस्ती का अंसर मैं कहता हूँ ख्याल तक नहीं आ सकता कि आइमा के नज़दीक जो अल्लाह का दुश्मन डिक्लेयर हो जाए आइमा के नज़दीक कि उसकी शिफात या उसकी शीयत को या उसके कायद को या उसकी न्याजों को या उसकी जंजीरों को उसके चाकुओं चुरी को कभी आइमा कबूल फरमाएंगे जिसके तौहीद और शिरक के मामलात ही क्लियर नहीं। स्ट्रेट अवे इमाम ने कहा दुश्मन खुदा ने झूठ बोला है, तुम कूफा वापस जाकर ये वाली आयत पढ़कर सुनाओ, ये जो अभी आपकी खिदमत में पेश की गई कि क्या जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया है क्या इन्होंने अल्लाह की खलकत की तरह भी कुछ खल्क किया है जिसकी वजह से पैदाइश का या खलकत का मसला इन पर मुश्तबे हो गया है। कह दीजिए हर चीज़ का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वह यकता बड़ा गालिब आने वाला है। ज़रारा कहते हैं कि मैं इसके पास यानी अब्दुल्ला इब्ने सबा की औलाद में से कोई था उसके पास गया और इसको इस वाक़े की खबर दी तो गोया ऐसा था कि जैसे इसके मुंह में पत्थर का एक लुकमा मैंने डाल दिया, यानी वो गुंग हो गया, आगे से वो बात ही नहीं कर सका। तो ये है इमाम का सलूक और इमाम की तालीम कि जैसे ही किसी ने किसी भी उनवान से अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा करने की नस्तियों को कोशिश की तो ये है वो शटअप कॉल जो आइमा की तरफ से स्टेट पर जाती थी बग़ैर ये पूछे कि वो मजालिस में कैसी शिरकत करता है और नारे कितनी ऊँची लगाता है जी, कितने हज़ार या कितने लाख के लंगर बांटता है जी, उसकी पीठ पे निशान कितने हैं आज़ादारी के, बग़ैर ये सवालों जवाब किए स्टेट में जैसे पता चला कि इस खबीस ने इस मलाउन ने हमें मुकाम रबूयत तक पहुंचाने की कोशिश की है, स्टेट वे इसको क्या टाइटल दिया, दुश्मन खुदा, फारग कर दिया दुश्मन खुदा कह के। और किसी रिवायत में कहा कि यहूद नसारा से बड़े ये जंदीक काफर मजूसी और मुशरिक, और हम यहाँ पर आके तो जी। और देखें आप ये देखें कि कभी ये अब जैसे इस बंदे ने ज़की बाकरी ने आपको हज़रत सलमान फ़ारसी और जनाब अली मुर्तज़ा कभी ये आपको मुस्तरद हवाला दे के बात नहीं बताएंगे, ये इनका तरीका वारदात है, हमेशा बात मुबम रखेंगे। और मैं कहता हूँ कि अगर ये कोई मोतबर और सनद मोतबर सनद पेश कर भी दे तो अभी हमने पिछली वीडियो में तफसीर याशी में जो 5 से 6 रवायात आपकी खिदमत में पेश की कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे ऐ बंदो अल्लाह के बंदो अगर तुम्हें जैसी भी बात कितने भी सच्चे बंदे इसको सुनने को मिले हमारे बारे में लेकिन खिलाफ़ कुरान हो तो उसको दीवार पर दे मारो। तो अभी ये आयत आपने सुनी, इसमें क्या अल्लाह कह रहा है कि हकीकत ये है कि अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है, बस बात बाब ही बंद कर दिया। अब इसके बाद किबला आगे इसकी तशरीह में लिखते हैं कि जुल्मात से मुराद कुफ्र और शिर्क और जलालत और नूर से ईमान मुराद है, यानी इस आयत में जो जुल्मात अंधेरे की बात की गई है वो कुफर शिर्क जलालत है और नूर से ईमान मुराद है। अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि अगर बतौर फ़र्ज़ बुतों ने खुदा की तरह कुछ चीज़ों को पैदा किया है इस वजह से वो शुबा में पड़ गए हैं और बुतों की परस्तिश खालके की तरह ही की जाने लगी है कि दोनों ही खालक हैं, अल्लाह इनका खालक है तो आगे ये बुत बाकी दुनिया के। अब ये देख लें ये सेम वही गाली और नुसैरियत वाला कि अल्लाह ने मोहम्मद और अली अलैहिस्सलाम को खलक किया या मासूमीन को किया तो उसके बाद आगे इन्होंने, ये अब आप देख लें। अच्छा आगे अलामा साहब ने लिखा है कि जनाब सूरह मुबारक यूसुफ़ की आयत नंबर 12 से 39 तक जो वो पेश किया गया है कि क्या मुतफरक
यानी मुतफरिक अरबाब यानी बहुत ज़्यादा रब बेहतर है या एक यकता जो सब पर गालब है वो बेहतर है? यानी तौहीद आप देखेंगे, तौहीद को अपनाने से, तौहीद के सांचे में डल जाने से इंसान कितनी ज़्यादा मुश्किलात, बकौले इकबाल कि वो एक सजदा जिसे तो ग्रां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात, अल्लाह ताला को एक मान लेने से, अल्लाह ही को कुदरत और हिकमत और ताकत का मरकज़ समझ लेने से, कबूलियत का और खल करने का मरकज़ समझ लेने से इंसान के कितने मामलात और ज़हनी मामलात क्लियर होते हैं। और बात इतनी सी है कि अंबिया हों, आइमा हों, ओलिया हों, इसी रब की पहचान करवाने आते हैं, इसी के अहकाम हम तक पहुँचाने आते हैं। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर गुज़श्ता साबका अंबिया कराम अल्लाह की शरीयत को लेकर आते हैं, किताबों को लेकर आते हैं, और आइमा जो हैं उसी शरीयत और किताब की मुहाफ़ज़त का काम करते हैं। और इसी दौरान चूँकि ये नफूस कुदसियाँ हैं, पाको पकीज़ा हस्तियाँ हैं जी, इनकी दुआ से किसी को औलाद मिल जाए, इनकी दुआ से सूरज गया वापस आ जाए, इनकी दुआ से कलीन से शेर निकल कर आ जाए, इनकी दुआ से कुछ भी हो जाए, तो ये कोई मतलब खिलाफ अकल बात नहीं है। लेकिन इनकी दुआ से, इनके वसीले से, इनके तवसल से, ना कि इनसे, चूँकि मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब चलें आपको दूसरी आयत जो कि इसी तरह बिल्कुल वाज़ह और सादा और सहल अल्फाज लिए हुए है जनाब, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और ये सूरा मुबारक रोम की आयत है, ये 40वीं आयत है जी सूरा मुबारक रोम की, कि जिसमें जनाब एक दफ़ा फिर वाज़ह चैलेंज अल्लाह ताला की तरफ से है कि मेरे शरीक जिसको भी ठहराते हो, बुतों को ठहराओ, कुछ हस्तियों को ठहराओ, किसी को भी ठहराओ, मुझे ज़रा, अल्लाह कहता मुझे ज़रा ये बताना कि ये जो काम इस आयत में अल्लाह बयान करेगा कि मुझे ज़रा ये बताना कि मेरे शरीकों में से कौन है, और बदबख्तों बताओ, दलीलें दो कि मेरे शरीकों में से वो है कौन है कि जिसने ये काम जो मैं करता हूँ, जो मेरे हैं वो काम किए हों। तो ये आयत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है, ये सुन लें जी, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा यानी खलक किया है, फिर तुम्हें रिज़क दिया, अल्लाह ही ने रिज़क दिया, अल्लाह ही ने, ये कुरान बोल रहा है, ये कुरान कह रहा है, ये किसी मुल्ला सदरा का फ़लसफ़ा, इबन अरबी का फ़लसफ़ा नहीं कह रहा, ये किसी मुज्तहिदी की जनाब तौज़ीहात और तशरीहात की बाबत बात नहीं हो रही, ये कुरान वाज़ह और सहल अल्फाज में कह रहा है कि अल्लाह ही तुम्हें पैदा करने वाला, वही तुम्हें रिज़क देने वाला, एक तसलसल बयान कर रहा है कुरान कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़क दिया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्या अब ये अगली आयत जो है ये चैलेंज लिए हुए है, ये ज़की बाकरी और इस तरह के और दरबारों से मांगने की दावत देने वाला, कौम को लगाने वाला जनाब शहनशाह नकवी, वो आए और इन आयात कुरानी की कोई तफसीर भी राय ही सही कुछ पेश तो करें, और कौम में इतना हिम्मत और हौसला तो हो कि दौरान मजलिस, दौरान खुताब उठ के कहा जाए कि जनाब ये तो वाज़ह कुरान की तालीमात से टकरा रही हैं तुम्हारी बातें, कि जाओ रिजक, बच्चे, नौकरी या ट्रांसफ़र रुकवाना है तो क्या सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं सिंध के जनाब अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब, ये शहनशाह नकवी का हमने क्लिप लगाया, कहता है जी ट्रांसफ़र, नौकरी, ये छोटे मोटे मसले हैं तो जाओ उनसे मांग लो, जाके उनसे करवा लो, कुरान क्या कह रहा है, मासूमीन क्या कह रहे हैं, मांगो तो सिर्फ़ अल्लाह से, मौला अली फरमा रहे हैं किसको, इमाम हसन को, कि सवाल करो तो बेटा सिर्फ़ अल्लाह से, क्योंकि देना ना देना उसके इख्तियार में, हाँ वसीला ज़रूर इख्तियार करें आप मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, ताकि बात पक्की हो जाए कि अल्लाह ताला ऐसा हो नहीं सकता, जैसे कि दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद पढ़ने का हुक्म है, तो मासूम फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि दुआ का पहला हिस्सा यानी दुरूद और आखिरी हिस्सा यानी दुरूद वो कबूल हो जाए और सेंटर वाली बात अल्लाह रिजेक्ट कर दे, तो इसलिए हुक्म है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज के दुआ मांगो ताकि कबूलियत पर मोहर लग जाए। तो इसलिए हम अल्लाह तक बात पहुँचा, अल्लाह किसी ज़रिए वसीले का मोहताज नहीं है बात सुनने के लिए या दुआ सुनने के लिए, ये वसीला इसलिए पेश किया जाता है कि अल्लाह हमारे गुनाह अगर आड़े आते हों, यकीनन आते होंगे, हमारी खताएं आड़े आती होंगी, तो इन हस्तियों का वसीला या नामों का जो लिहाज कर लेना और हमारी दुआओं को मकबूल फरमा देना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़क दिया, वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इनमें से कोई काम कर सके? लो जी, अब इसके लिए आपको कौन सी तफसीर, तशरी या किसी मौलवी की ज़रूरत है? इतनी सी बात हमारे भेजे में नहीं घुस सकती कि अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ज़िंदगी, मौत, रिज़क
ये तीन मरहले अल्लाह ने बयान किए हैं इस आयत में कि अल्लाह ने पहले तुम्हें पैदा किया, फिर सारी ज़िंदगी तुम्हें रिज़क खिलाया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर क़यामत को उठा खड़ा करेगा। तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इनमें से, इनमें से का लफ्ज़ है कि इनमें से कोई एक काम भी कर सके, इसका मतलब कोई नहीं है तो अल्लाह दावा कर रहा है ना। किसी को तफवीज़ किया होता तो कुरान की आयत कहती कि माँ सवाए उनके कि जिनको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया इन तीन चीज़ों, कहती ना कुरान की आयत, जगह जगह कुरान में लान होता कि अल्लाह के सिवा या उन हस्तियों के सिवा के जिसको जिनको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है जनाब, उनके अलावा कोई है तीसरा तो खड़ा हो। नहीं, यहाँ पे दूसरे की बात है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा है जो मौत, ज़िंदगी और रिज़्क़ के मामलात दे सकता है, तुम्हें दे अता कर सकता है तो सामने लाओ। पाक है अल्लाह और बालातर है उसकी ज़ात इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। यहाँ पर इस आयत का खात्मा हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है। मेरे मोहतरम नाज़रीन सामईन, अब आपको मौला अली की वो दुआ के हवाले से जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया, अब ये जो वलायत तकवीनी का एक ढाल बनाई हुई आसफ़ बिन बरखिया वाला मामला, ये सईफ़ा अलविया मौला कायनात की, जैसे सईफ़ा सजादिया इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की दुआओं की किताब है, अहले इलम और उम्मत के साले अफराद जानते होंगे कि सईफ़ा अलविया भी एक किताब है जिसमें कुछ दुआएँ मौला कायनात से नकल शुदा है जी। उसमें उसके सफ़ा नंबर 340 में दसवीं दुआ मेरे ख़्याल बनती है, उसमें मौला कायनात के कुछ जुमले हैं। आप फरमाते हैं कि मैं तेरी बारगाह में इसमें आज़म के ज़रिए सवाल करता हूँ ए अल्लाह, मौला कायनात फरमा रहे हैं, गौर कीजिएगा, मैं तेरी बारगाह में इसम के ज़रिए, इसमें आज़म के ज़रिए सवाल करता हूँ मेरे अल्लाह, जिसके ज़रिए से तेरे इस बंदे ने यानी आसफ़ बिन बरखिया ने तुझसे सवाल किया था कि जिसके पास थोड़ा सा इल्म किताब था और तूने इसकी बदौलत तख्ते बल्कीस को ये आँख झपकने में ही ला खड़ा किया, तो मैं भी ये परवरदगार इसी इसम के ज़रिए तुझसे सवाल करता हूँ कि जिसके ज़रिए इसने दुआ की, आसफ़ बिन बरखिया ने दुआ की, अब वो दिल में की, होंठों में की, इरादा किया या दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की वो इसम पढ़ के, तो मौला फरमाते हैं कि जिसके ज़रिए इसने दुआ की और तूने कबूल फरमाई और तख्त को ला खड़ा किया, पास आ परवरदगार इस इसम के ज़रिए मेरी दुआओं को भी मकबूल फरमा, ये मौला कायनात फरमा। अब मुझे बताइए कि कुरान, अहले बैत, ये तो अभी एक एक दो दो हवाले आपकी खिदमत में पेश किए हैं, बीसियों हवाले हैं, और इसकी ज़िद में यानी वलायत तकवीनी, वो वाली वलायत तकवीनी के तसरफ़ का हक़ मिल गया, तफवीज़ का हक़ मिल गया, जो चाहे करते फिरें, अब अल्लाह ताला ने इनको इसके हक़ में एक झूठी रवायत भी ना मिले और इस अकीदे की रद्द में इसके ख़िलाफ़ बीसियों कुरान की आयात मिलें, दर्जनों रवायात अहले बैत मिलें, और फिर भी हमारे ज़हन अज़हान कन्फ्यूज़ हो जाएँ। क्यों? ये है वो नुकसान जो तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े ने हमारे मकतब में ख़ास कर अजहान में डाला। इसलिए बुज़ुर्ग उलमा, जिसका इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ उलमा परस्ती से उलमा दुश्मनी तक सफ़र जनाब, उसमें हम ये वाज़ेह करेंगे कि बुज़ुर्ग उलमा ने उन नाबालिग अजहान को फ़लसफ़ा पढ़ने से मना फरमाया था कि जिनके मुसलमात शिया या असूल दीन जो हैं हमारे या तौहीद के मुतालिक अभी ये कायद बन रहे थे, उसमें प्रोसेसिंग में थे, अभी मच्योर नहीं हुए थे, इन मच्योर अजहान को फ़लसफ़ा पढ़ने और ख़ासकर मुल्ला सदरा का फ़लसफ़ा पढ़ने से इसलिए मना किया। ये जो ज़की बाकरी ने बयान किया ये क्या है? ये फ़लसफ़ा, इसी को फ़लसफ़ा कहते हैं, यानी कलाबे से कलाबे मिलाते जाना, खुद ही घरते जाना। अच्छा जी, अल्लाह तो नज़र नहीं आ रहा, इब्राहिम ये कर रहे हैं, इसका मतलब उस वक्त वो परिंदों को खालिक इब्राहिम हो गए। अच्छा जी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मिट्टी से परिंदा, मैं मिट्टी से। अब ये देखें कि उसने मैं की इतनी तकरार की, और इस जैसे लोग इतनी तकरार करते हैं कि वो लोग मुबहम हो जाता है, उनके जहनों में ये अकीदा रासख हो जाता है कि जनाब इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपनी अथॉरिटीज़ उनको दी थी तो उन्होंने लफ्ज़ मैं यूज़ किया था। अब उस मैं में क्या है कि लोगों को मुतवज्जो कर रहे हो कि लोगों, मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊँगा तो मेरा रब उसमें जान डालेगा, यानी मफहूम पेश कर लोगों को। अच्छा, ये सब कुछ करके मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, किसी नबी ने जिसने इस तरह के मौजे अंबिया ने जिन्होंने दिखाए हैं, किसी एक नबी ने इन मौजात को दिखाने के बाद लोगों को अपनी रबवियत का कायल किया या जो उन पर मान लाए फिर उसको उनके आगे झुकाया, उनकी रबवियत का बताया? चलें इसी से आप नतीजा खस कर लें। मौला कायनात ने जनाब मुर्दे जिंदा करके, या ये रवायत इसकी मान भी लें ज़की बाकरी की या इस तरह की बाकी जो रवायत हैं, उसके बाद पैगाम क्या था मौला का कि मैं नाउज़ बिल्ला रब हूँ?
या ये पैगाम था कि कोई रब है जिसने मुझे ये इख्तियारात दिए हैं। अव्वल तो इस तरह के इख्तियारात हमने कुरान से बता दिया कि अल्लाह ने दिए हों तो अल्लाह बताए कि मेरे और उन लोगों के अलावा कि जिनको मैंने इख्तियारात दिए हैं को खालक है, ये कुरान की आयत होती। लेकिन कुरान की आयत क्या है कि लाओ सामने, हिम्मत है तो लाओ, फिर कोई एक बंदा भी लाओ जिसने मेरे अलावा कोई चीज़ खल्क की हो। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन सामईन, अभी इसके जवाब में आपने डक्कू साहब क़िबला का क्लिप सुना, कुरान में से कितना खूबसूरत इस्तदलाल पेश किया आपने कि वलायत तकवीनी के तहत तो उनके इख्तियारात हासिल थे, तो फिर क्यों देड़ उम्री में जाके साहिब औलाद हुए? चूँकि जब अल्लाह ने देना था तब भी होना था ना। तो मामलात पे गौर व फिक्र करें, इन इमामा पोशों के धोखे से बचें। मुज्तहिदीन का ये कह देना, हमारा ये कह देना कि चूँकि इमाम खुमैनी, एक मिसाल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ, चूँकि इमाम खुमैनी या हसनज़ादा आमली साहब या जवादी आमली साहब या दूसरे बुजुर्गान फुका मुज्तहिदीन इस उनवान से वलायत तकवीनी के अगर कायल हैं तो हम ये सुनकर मुतमिन हो जाएं। नहीं मेरे दोस्तों, अकायद के मामले में शख्सियात को नहीं देखा जाता, नसे कुरानी को देखा जाता है, दलाइल को देखा जाता है। ये किसी से आप पूछ लीजिएगा, अकायद के ज़िमन में सिर्फ ये सुनकर मुतमिन हो जाना कि जनाब फ़लाँ बड़े नाम ने, फ़लाँ बड़े मुज्तहिद ने, फ़लाँ बड़े बुज़ुर्ग ने वलायत तकवीनी के हक़ में बाब बांध दिया है, तो बस हमारे मुतमिन होने के लिए काफ़ी है? नहीं काफ़ी है, अकायद के ज़िमन में नहीं काफ़ी है। और किसी मोमिन का मुतमिन होना ज़रूरी नहीं है किसी बड़े नाम का वाला सुन के तो वो खामोश हो जाए, भाई उसका हक है कि एक चीज़ उसको नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह के अलावा किसी भी वलायत के तहत कैसे को खालिक हो सकता है, उसको समझाओ, कुरान से दलील दो, आयात कुरान पेश करो और अहले बैत के फरमान पेश करो, सिर्फ बड़े नाम पेश ना करो। अपने लाइव सेशनों में बैठ के ये ना कहो, जब हवाला दो किसी मुज्तहिद का दो, किसी सूफ़ी का दो, यार ये क्या बात हुई? एक तरफ हम कहते हैं कि जनाब अकायद में तकलीद कोई नहीं, एक तरफ अकायद के सारे वाले उठा के हम मौलवियों के सारे थोंक देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ? तो परवरदगार आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वलायत तकवीनी, ये वाली वलायत तकवीनी, अगर वलायत तकवीनी से मुराद ये ली जाए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इस तरह से उन चीज़ों का इजहार करते हैं कि वो, जैसे इमाम ने ख़ुद कहा कि हमारे पास इसमें आज़म होता है, हम उसके ज़रिए अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारा दुआ हमारी रद्द नहीं होती, मुमकिन नहीं कि अहले बैत की हुई दुआ रद्द हो जाए, तो फिर तो वो अगर तो ये यहाँ तक है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मामलात ख़राब होते हैं जब ये ज़की बाकरी, ये राजा नासिर अब्बास, ये शहनशाह नकवी साहब आगे फिर हमें दरबारों तक ले जाते हैं। और ये आप देख लें, फिर इसी वलायत तकवीनी की जेल में ये तो मासूम हस्तियाँ थीं, लोगों ने सूफिया के साथ फिर क्या क्या तसरुफात के उनवान से चीज़ें मनसूब की कि मुल्तान के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने सूरज सवा नेज़े पे बुला लिया, सिंध के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हवाओं में उड़ते फिले और उनके जनाब खास और ख़ास और लाडले मरीद को लोगों ने काट खा पका लिया हांडियों में, उन्होंने आवाज़ दी तो हांडियों से हड्डियाँ और गोश जमा होके दोबारा मुजस्म होके वो अपने मुर्शिद के पास चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये है फिर इनके नुकसान। ये फिर बात मासूम हस्तियों तक नहीं रुकती, ये फिर हर बंदा अपने मुर्शिद आका के बारे में ये तसरुफात के इख्तियारात लिए फिरता है। तो परवरदगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तलीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने, सबसे बढ़ गई है कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस में जिन खुश नसीबों की इबादत और रोज़ों से राज़ी हुआ उनको कबूल किया, उनके सदक़े और अपनी रहमत खासा के सदक़े हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बेनकाए बच्चे बच्चियों के लिए असबाब मुहैया फरमाए, तमाम मरीजान को अपने शाफी और काफ़ी होने के सदक़े से, कलाम शफा कुरान हकीम के सदक़े से और बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से शिफाए कामलो आजला अता फरमाए, तमाम महरूमिन की बख्शिश फरमाए, इमाम जमात जल्लल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फरमाए। लाहौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिही तय्यिबीन व ताहिरीन।